एग्जाम्पल्स ऑफ परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन इन 1D। पहला एग्जाम्पल है, दो बॉल्स है, दोनों का मास सेम है, दो बॉल्स का मास सेम है, एक राइट मूव कर रही है विद वी, एक लेफ्ट मूव कर रही है विद वी। आफ्टर कोलिजन इनकी वेलोसिटीज क्या होंगी, हमने रिजल्ट किया था। इलास्टिक कोलिजन में अगर मास दोनों बॉल्स का सेम है तो वेलोसिटीज आपस में क्या हो जाती हैं, इंटर चेंज हो जाती हैं। तो क्या आंसर होगा कि अगर इसकी वेलोसिटी राइट है तो आफ्टर कोलिजन क्या हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी भी लेफ्ट, और ये अगर राइट है तो ये भी कहाँ जाएगा, राइट हो जाएगा। समझ में आ रहा है यहाँ तक, वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाएगी। तो रिजल्ट याद रहेगा, अगर मास सेम है तभी ऐसा होगा, नहीं तो नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये डायग्राम आपने ना खुद बनाने हैं और डायग्राम की ही गेम है सारी, तो क्वेश्चन पढ़ते जाने हैं और डायग्राम खुद बनाने होते हैं। कैसे, बॉल जिसका मास 0.1 kg है मेक्स हेड ऑन कोलिजन विद अ बॉल ऑफ अननोन मास, अननोन मास m2 लाइंग एट रेस्ट, रेस्ट का मतलब u2 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट बॉल की वेलोसिटी पता नहीं तो मैंने u मान ली। अब वो क्या कह रहा है, इफ 0.1 kg रीबाउंड एट 1/3 ऑफ ओरिजिनल स्पीड, तो 0.1 kg रीबाउंड होगी आफ्टर टक्कर, और गई कितनी स्पीड के साथ थी u, वापस कितनी स्पीड के साथ आई, u/3, 1/3 ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, तो u/3 कर दिया। तो u1 इसमें u है और v1 इसमें u/3 है, तो डायरेक्शन हैज चेंज्ड। सेकेंड बॉल का क्या हुआ उसने बताया ही नहीं, मैंने कुछ लिखा ही नहीं। ठीक, आपको क्वेश्चन में क्या निकालना है, सेकेंड बॉल का मास निकालना है। मुझे सिर्फ ये पता है, u1 पता है, u2 पता है, v1 पता है, और कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक है, तो मैं काम करता हूँ, क्योंकि मुझे v1 पता है तो मैं v1 का बड़ा फॉर्मूला यूज़ कर लेता हूँ। v2 का तो मैं कर नहीं सकता, v2 मुझे पता ही नहीं, तो v1 का बड़ा सा फॉर्मूला यूज़ किया। इस फॉर्मूले में u2 को उठा के क्या पुट कर देना है, 0, तो u2 0 गई है टर्म। v1 किसके इक्वल है, v1 है u/3, लेकिन डायरेक्शन हैज चेंज्ड। तो जब फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे तो v1 को u/3 मत पुट करना, v1 को -u/3, क्योंकि डायरेक्शन इसकी रीबाउंड हो गई है। क्लियर है यहां तक, मास आपको 0.1 kg के बने m1 और m2 आपको निकालना है, तो m, और u1 किसके इक्वल है, u, तो u1 की जगह u, u और u क्या हो जाएगा, कैंसल, क्रॉस मल्टीप्लाई, सिंप्लीफाई, सॉल्व करके मास आ जाएगा। मेथड समझ में आ रहा है क्या करना है, क्योंकि परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है तो कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। जो आपको फाइनल वेलोसिटी गिवन है, चाहे v1 चाहे v2, उसका फॉर्मूला लिख लो और वैल्यू उसको पुट करते जाओ। चलो एक बार फिर करो, सेम क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को एक बार समझो। उसमें रिबाउंड करगी विद 1/3 ऑफ वेलोसिटी, देखो बॉडी जिसका मास छोटा m है स्ट्राइक्स बड़ा मास m लाइंग एट रेस्ट, पहला डायग्राम क्लियर है। तो u2 क्या है इसमें, 0, u1 क्या है इसमें, u, ठीक हो गया, u1 u2 क्लियर है। कोलिजन इलास्टिक है, ठीक है, इलास्टिक है। आफ्टर कोलिजन स्मॉल m हैज स्पीड 1/3 ऑफ ओरिजिनल, उसने बिल्कुल नहीं कहा कि इसने अपनी वेलोसिटी को रीबाउंड किया, तो उसने नहीं बोला तो हम नहीं लेंगे। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, इसकी वेलोसिटी सिंपली क्या करेंगे, u/3, अगर रीबाउंड बोलता तो -u/3, रीबाउंड नहीं बोला तो u/3, तो v1 की जगह u/3। इसके बारे में मुझे नहीं पता क्या निकालना है, दोनों मासेस की रेशियो निकालनी है मुझे, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन गिवन है, मुझे v1 पता है, तो v1 का फॉर्मूला यूज कर लें। इस फॉर्मूले में u2 क्या है, 0, ठीक, u2 को 0, v1 कितना है, +u/3, क्योंकि डायरेक्शन चेंज नहीं हुई, u/3, एक मास छोटा है मास, एक बड़ा मास, और u से u कैंसल, क्रॉस मल्टीप्लाई करके
छोटा और बड़े मास की रेशियो आ गई, तो बड़े और छोटे मास की रेशियो उल्टी हो जाएगी। वैसे ही मेरे ख्याल से 1:2, 2:1 है, तो ये 1:2 होगी। इसको रेसिप्रोकल ले लेना, करेक्शन कर लेना। आपको मेथड समझ में आ रहा है कैसे अप्लाई करना है? मैं आपको होमवर्क दूंगा करने के लिए, आप लगाओगे फॉर्मूलास जो भी आज हम लगा रहे हैं। समझ में आ रहा है कैसे अप्लाई करना है? तो बस आइडेंटिफाई करना है इनिशियल वेलोसिटीज क्या है, फाइनल वेलोसिटीज क्या है, और फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट करना है। ठीक, इस क्वेश्चन को देखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या करेंगे, इन इलास्टिक कोलिजन इन वन डी, ठीक है, इलास्टिक कोलिजन इन वन डी है, मास m इज मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ u, मास m इज मूविंग वेलोसिटी ऑफ u का मतलब क्या गिवन है, u1, स्ट्राइक्स अ पार्टिकल ऑफ मास km एट रेस्ट, तो ये हिट करेगा और जो मास है उसका कितना है, k टाइम्स m, लाइंग एट रेस्ट, तो u2 क्या है इसका, जीरो। ठीक, फाइंड फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर टू स्ट्रक पार्टिकल। तो क्वेश्चन है, जब ये इसे क्या करेगा, स्ट्राइक करेगा, तो ये अपनी एनर्जी का कुछ पार्ट इसको दे देगा, तो कितनी एनर्जी ट्रांसफर करेगा उसका फ्रैक्शन निकाल लो। देखो इसको समझने के लिए मेरे को एक चीज का आंसर दो, है ना, इसको दो मिनट समझ लेंगे आप, इस टर्म का आंसर दो जो मैं अभी पूछ रहा हूं आपसे। ये देखो, सपोज करो इलास्टिक कोलिजन है, कोलिजन से पहले इसके पास एनर्जी 100 जूल की थी मान लो, और जो सेकंड पार्टिकल है वो किससे पड़ा हुआ था, एट रेस्ट, ठीक है। आफ्टर कोलिजन इसने अपनी कुछ एनर्जी इसको दे दी और खुद कितनी रख ली, 20 जूल, तो ऑब्वियसली इसको कितनी दी, 80 जूल, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन है, एनर्जी का लॉस तो होगा नहीं, तो टोटल एनर्जी की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट रहेगी, राइट। मेरा पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट बॉल ने दूसरी बॉल को कितनी एनर्जी दी, पहला तरीका 100 माइनस 20, और दूसरा तरीका भाई तेरे पास तो था ही क्या, कुछ भी नहीं, अब तेरे पास कितनी हो गई, 80, कहां से आई, फर्स्ट ने दी, तो कितने जूल एनर्जी ट्रांसफर हो गई, 80। आपको निकालने के दो तरीके हैं, या तो यहीं से पूछ लो या फिर इनका डिफरेंस निकाल लो, तो ये ज्यादा आसान है, इससे पूछोगे तो क्या बोलेगा, 80। फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर कितनी है, फ्रैक्शन में क्या करना पड़ेगा, टोटल एनर्जी से डिवाइड करना पड़ेगा। अब टोटल एनर्जी क्या है, 100, कैसे निकाली, या तो इन दोनों का सम कर लो एनर्जीज का, या इन दोनों का, जैसे मर्जी कर लो, तो चलो उन दोनों का कर लेते हैं, क्या आएगा, तो दिस इज फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड। लॉजिक क्लियर है, मैथमेटिकल लॉजिक क्लियर है, सही है। अपने क्वेश्चन पे चलें, ये केस है, आप ये बताओ कितनी काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर हो गई उधर, या तो आप इससे पूछ लो, इसके पास था क्या, कुछ भी नहीं, अब एनर्जी कितनी है, हाफ के एम इंटू वी टू स्क्वायर, तो कितनी एनर्जी ट्रांसफर हो गई, हाफ के एम इंटू वी टू स्क्वायर, अभी यही बात हो रही थी, तो इतनी एनर्जी ट्रांसफर हो गई, और टोटल कितनी थी, या तो इन दोनों का सम कर लो, या इन दोनों का, इनसे कर ले, तो हाफ इंटू एम इंटू यू का स्क्वायर। स्टेप समझ में आया, तो ये एनर्जी ट्रांसफर मैंने यहां से निकाल ली, और टोटल एनर्जी मैंने यहां से निकाल ली, क्या स्टेप क्लियर है, तो इसमें एम से एम कैंसिल, तो आपके पास ये टर्म बचेगी। आपको अब क्या चाहिए, सिर्फ वी टू, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन है, वी टू का बड़ा सा फॉर्मूला आपको आता है, तो लिखो फॉर्मूला वी टू का, इस फॉर्मूले में यू टू को क्या पुट करेंगे, जीरो, ये टर्म उड़ गई, पहला मास कितना है एम, दूसरा मास कितना है के एम, और पहली वेलोसिटी कितनी है यू, तो एम 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 कैंसिल होके क्या आ गया, वी टू आ गया। इस वी टू को यहां से निकालो और यहां पुट कर दो, तो जब मैंने यहां पुट किया होल स्क्वायर, सिंप्लीफाई किया, तो ये मेरे पास आ गई फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी
ट्रांसफर्ड। तो मैं क्या निकाल रहा हूं इसमें, फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड। सॉल्व तो मैंने यहीं से शुरू किया था कि ये एनर्जी ट्रांसफर्ड अपॉन टोटल एनर्जी, तो इसमें V2 मुझे चाहिए था, V2 मैंने बड़े फॉर्मूले से निकाल के पुट कर दिया और आंसर आ गया। क्या ये स्टेप क्लियर है? स्टैंडर्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है, स्कूल में आती है, मेंस नीट सब में आती है, और कई लोग जिसका आंसर भी याद करके रखते हैं 4k / k + 1 का होल स्क्वायर, लेकिन फॉर्मूला तभी वैलिड है जब मास दूसरे वाले का k टाइम m है और दूसरा सेकेंड मास हमेशा रेस्ट पे पड़ा होगा, तब अगर वो चल पड़ा फिर ये फॉर्मूला फेल है, फिर ये आपको कॉन्सेप्ट ही लगाना पड़ेगा। बट पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे करना है। हाँ, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एज इट इज आ गया फिर आप मार्क कर सकते हो 4k / k + 1 का होल स्क्वायर, डन। तो ये क्या आ गया, फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड बाय फर्स्ट बॉल। अगर मैं ये पूछ लूं व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी रिटेन्ड बाय फर्स्ट बॉल, तो फ्रैक्शन का सम क्या होता है, 1। तो इतना फ्रैक्शन चला गया तो बचा कितना, 1 में से इस फ्रैक्शन को माइनस करके आंसर आ जाएगा। तो कुछ क्वेश्चन आए हो जाएगा सॉल्व, तो फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड भी आ जाएगा, फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी रिटेन्ड भी आ जाएगा। कोई डाउट इसमें, मेथड समझ में आ रहा है? ठीक, कैसे किया? इसी पैटर्न पे सेम क्वेश्चन है, एक बार इस पे सोचो कैसे करना है, अब खुद करो एक बार सोचो। Show that when a body collides with another body at rest, जब एक body दूसरी body को टक्कर मारती है और दूसरी body किस पे पड़ी होती है, at rest, U2 is equal to 0, with mass 1 by m times m1, यानी कि अगर इसका mass m1 है तो दूसरी body का mass m2 is 1 by m times m1। अब ये ना confusion create कर रहा है, के टाइम दे देता ना, कम से कम पता तो होता के नंबर है, एक m1 मास है एक m2 मास है, ऊपर से उसने एक कांस्टेंट भी m लगा दिया, के देता तो इजी हो जाता समझना। समझ में आ रहा है यहां तक? तो एक्चुअल में पिछला क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में फर्क ही से कुछ नहीं है, फर्क ये है कि यहां पर k किसके इक्वल है, 1 बाई एम, जान के उसने k की जगह 1 बाई एम दे दिया। समझ में आ रहा है यहां तक? को डाउट इसमें? तो मास की रेशियो दे दी उसने। अब वो क्या पूछ रहा है, वो कह रहा है कि देन फर्स्ट बॉडी ट्रांसफर्स, प्रूव करो कि पहली बॉडी ने इतनी पार्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, पार्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी का मतलब फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर करती। सेम क्वेश्चन जो पहले था कि इस बॉडी ने कितनी काइनेटिक एनर्जी इसको ट्रांसफर कर दी, तो मैंने कैसे सिखाया था, ये वी वन है ये वी टू है, तो ये रेस्ट पे था, तो अब इसके पास कितनी एनर्जी है, हाफ इंटू एम टू इंटू वी टू स्क्वायर, ये क्या है, एनर्जी ट्रांसफर। इसको डिवाइड करते हैं टोटल एनर्जी से, टोटल एनर्जी निकालने का तरीका या तो इनका सम या फिर इसका सम, तो इसका सम क्या एनर्जी का, हाफ इंटू एम वन इंटू यू वन स्क्वायर। कोई डाउट इसमें? तो ये आपके पास क्या आ गई, फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड। कोई डाउट इसमें? सेम क्वेश्चन है, वही सेम स्टेप, वी टू का फॉर्मूला लिखेंगे, वी टू के फॉर्मूले में यू टू को जीरो पुट करेंगे, फर्क सिर्फ इतना है पिछले क्वेश्चन में मास एम और एम के एम था, इसमें एक मास एम वन है तो एक मास m1 है तो दूसरा मास कितना है, m1 by m है, बस और कोई फर्क नहीं। इसको सिंप्लीफाई करके v2 आएगा, इस v2 को वापस यहां पुट करेंगे जैसे पहले किया था, स्क्वेयरिंग करेंगे, सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन आपने घर जाके चेक करनी है। समझ में आ रहा है यहां तक? एक बात बताओ, पिछले और इस क्वेश्चन में क्या फर्क है? कुछ नहीं, सिर्फ मास का, क्या k is equal to 1 by m है? आप ऐसा भी कर सकते थे, आप आंसर निकाल चुके हो ना, अब फाइनल आंसर में k इज इक्वल टू 1 बाई एम पुट कर लो, आंसर आ जाएगा एक सेकंड में। कुछ किया ही नहीं उसने, दोनों क्वेश्चन तो सेम है, आप k की जगह 1 बाई एम कर लो, आंसर आ जाएगा। तो अगर आपको फॉर्मूला याद है आप 1 बाई एम पुट करके भी आंसर निकाल सकते हो। समझ में आ रहा है लेकिन यहाँ तक? पर किसको याद है, मैं तो एक साल नहीं याद कर सकता,
आप कर सकते हो, फाइनल के लिए कर लो, तो आपको ऐसे ही याद करना पड़ेगा। और दोनों में से एक क्वेश्चन आ जाता है आपके पेपर में वर्क एनर्जी पार में से, कि फ्रैक्शन एनर्जी ट्रांसफर का ये क्वेश्चन, दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्ट प्रॉब्ली स्कूल के अंदर जो न्यूमेरिकल आता है वो इसके ऊपर ऐसा आता है। इंपॉर्टेंट मार्क करना प्लीज दोनों क्वेश्चन को, ठीक। इस क्वेश्चन को देखना प्लीज, क्वेश्चन की अलग ही समस्या है। इलास्टिक कोलिजन है तो सुन के ऐसा लगता है V1 V2 के फॉर्मुले याद करें, वैल्यू पुट करें, आंसर आएगा। मैंने भी ये सोचा, बॉल इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 2, तो U1 क्या है, 2, टुवर्ड्स अ हैवी वॉल मूविंग टुवर्ड द बॉल विद अ स्पीड ऑफ 1, दीवार मूव कर रही है हैवी उल्टी तरफ 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक, 1 मीटर पर सेकेंड। तो ये क्या गिवन है, U2 इज इक्वल टू -1 क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन है, क्लियर है यहां तक, दीवार मूव कर रही है इसमें। वो क्या कह रहे हैं कि कोलिजन इलास्टिक है, एनर्जी लॉस तो है ही नहीं, फाइंड वेलोसिटी ऑफ बॉल इमीडिएटली आफ्टर कोलिजन। तो बॉल गई विद वेलोसिटी ऑफ 2, टक्कर मार के कितनी वेलोसिटी से वापस आई, आंसर क्या आना चाहिए, 2, नहीं, 2 तब आंसर आता अगर दीवार रेस्ट पे होती, दीवार भी इसको फोर्स देगी क्योंकि दीवार की खुद की भी वेलोसिटी है। हाँ ये बात पक्की है कि बॉल रीबाउंड करेगी, उसके अंदर घुस तो जाएगी नहीं दीवार के, तोड़ के तो बाहर निकलेगी नहीं, टक्कर मार के वापस आएगी, समझ में आ रहा है यहां तक। तो U1 कितना है, 2, U2 कितना है, -1, दीवार की, दीवार को फर्क कहाँ पड़ रहा है, दीवार कहती है बॉल ऐसी तेरी जैसी आती हैं जाती हैं, दीवार को कोई फर्क नहीं है, हैवी दीवार है। तो इनिशियल वेलोसिटी U2 इज इक्वल टू -1 और फाइनल वेलोसिटी V2 इज इक्वल टू -1, दोनों में फर्क ही नहीं है, क्या फर्क पड़ रहा है दीवार को, पहले भी उतना अब भी उतना, फर्क किसे पड़ रहा है, बॉल को। तो बॉल की इनिशियल वेलोसिटी 2, फाइनल वेलोसिटी जो भी होगी -v, माइनस क्यों, क्योंकि रीबाउंड हो चुकी है, मुझे v निकालना है इसमें। तो इसके अंदर मैंने आपको सिखाया अगर इलास्टिक कोलिजन है तो आप v1 v2 के बड़े बड़े फॉर्मूले पुट करो तो आंसर आ जाएगा। तो आपने भी कहा ठीक है v1 का बड़ा सा फॉर्मूला लिख लेता हूं, आंसर आएगा, आएगा नहीं इसमें, क्या प्रॉब्लम है, मैं लगा नहीं पा रहा फॉर्मूला इसमें वाला, क्यों, क्योंकि मुझे चारों वेलोसिटी तो गिवन है, मुझे मास नहीं गिवन, किसका, दीवार का मास नहीं गिवन, दीवार का मास क्या पुट करूं है ही नहीं, तो प्रॉब्लम है, नहीं लगेगा फॉर्मूला। फिर दिमाग में आया मोमेंटम कांस्टेंट लगा लेता हूं, क्योंकि किसी भी कॉलेज में मोमेंटम कांस्टेंट है, एनर्जी भी कांस्टेंट है, प्रॉब्लम मोमेंटम और एनर्जी दोनों में क्या चाहिए, दीवार का मास नहीं लग सकता, दोनों मेथड फेल हो गए। अब आखिरी जब सारे मेथड फेल हो जाए तो एक ही चीज बचाती है, कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन का रेस्टिट्यूशन क्या होता है, 1, क्योंकि रेस्टिट्यूशन ही एक ऐसा फॉर्मूला है जिसमें मास नहीं चाहिए होता, मास नहीं चाहिए, सिर्फ वेलोसिटीज चाहिए। तो बन गई बात, तो रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला लिख लिया, हालांकि रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला इन इलास्टिक में ज्यादा चलता है, इलास्टिक में भी चलता है, रेस्टिट्यूशन इलास्टिक में क्या होता है, 1, तो 1 पुट कर दें। V2 और U2, U2 -1, V2 -1, V2 -1, U2 -1, U1 कितना, 2, और V1 कितना, -3, अभी दिखाया था ना, V1 कितना, माइनस, ये लो पुट कर लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, सॉल्व कर लिया, V आ जाएगा आंसर। तो ये क्वेश्चन आपको ये बता रहा है कि अगर V1 V2 के फॉर्मूला ना चले तो रेस्टिट्यूशन काम आएगा, समझ में आ रहा है यहां तक। तो ये भी एक तरीका है इलास्टिक कोलिजन को सॉल्व कर, ठीक। इस क्वेश्चन को पढ़ें,
न्यूट्रॉन ट्रेवलिंग विद अ वेलोसिटी ऑफ वी, एक न्यूट्रॉन ट्रेवलिंग विद अ वेलोसिटी ऑफ वी, तो यू वन गिवन है, यू या ना यू कर लेना प्लीज, वी नहीं है ये यू कर लो, चलो न्यूट्रॉन ट्रेवलिंग विद अ वेलोसिटी ऑफ यू, तो वी वन क्या है, यू न्यूट्रॉन है एंड मान लो इसका मास एम है, काइनेटिक एनर्जी इक्वलाइज परफेक्टली इलास्टिकली हेड ऑन विद न्यूक्लियस ऑफ एन एटम विद मास नंबर ए, तो मास नंबर क्या होता है न्यूक्लियॉन का मास, तो न्यूक्लियॉन न्यूक्लियस में कितने होते हैं, एम ए होते हैं, ए न्यू केमिस्ट्री में न्यूक्लियॉन्स का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, और एक न्यूक्लियॉन का एवरेज मास एम है क्योंकि न्यूट्रॉन का मास एम है, तो टोटल मास क्या हो जाएगा इसका एम है, ये पॉइंट समझ में आ रहा है, एक न्यूट्रॉन का मास एम है, न्यूक्लियॉन के अंदर क्या होते हैं न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन का एक न्यूट्रॉन का कितना मास है एम है, कितने न्यूक्लियॉन्स हैं ए एटॉमिक मास नंबर, तो टोटल मास कितना हो गया ए इंटू एम, क्योंकि न्यूट्रॉन प्रोटॉन का एवरेज मास एम ही ले रहे हैं इसमें, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में कितने न्यूक्लियॉन्स हैं ए, इस क्वेश्चन में मास ऑफ न्यूक्लियॉन मास ऑफ न्यूट्रॉन मास ऑफ प्रोटोन एम है, अब ठीक है साहब वैसे डिफरेंट होता है केमिस्ट्री में पर हम एम वन एम टू में नहीं झगड़ सकते इसमें, तो न्यूट्रॉन का मास अगर एम है अकेले न्यूट्रॉन का, तो एटम के अंदर न्यूक्लियॉन्स हैं, तो न्यूक्लियॉन्स कितने हैं ए, ए नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स हैं, तो हर का मास कितने हैं एम, तो यानी कि ये न्यूक्लियॉन एक एटम को न्यूक्लियस को टक्कर मारेगा जिसका मास कितना है एम है, ये स्टेप समझ में आया यहां तक ठीक, तो थोड़ी केमिस्ट्री लगाई इसमें, तो एक न्यूट्रॉन एम है और इसमें ए नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स हैं तो एम है, बाकी इसमें कुछ नहीं है, लाइंग एट रेस्ट ये यू के साथ आ रहा है, क्या निकालना है फ्रैक्शन ऑफ टोटल एनर्जी रिटेन्ड बाय न्यूट्रॉन, रिटेन्ड वो कह रहा है कितनी एनर्जी इसने रिटेन कर ली, इससे पूछ लो भाई तेरी टक्कर के बाद एनर्जी है कितनी, ये कहता है हाफ इंटू एम इंटू वी वन स्क्वायर, और यही एनर्जी क्या मानी जाएगी इसकी रिटेन, तो रिटेन अपॉन टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी चाहे यहां से निकाल लो चाहे यहां से निकाल लो, यहां से निकाल लो हाफ इंटू एम इंटू यू का स्क्वायर, तो एनर्जी रिटेन्ड अपॉन टोटल एनर्जी, अब इसमें क्या निकालना है वी वन, इलास्टिक कोलिजन में वी वन का बड़ा सा फॉर्मूला, सेकेंड पार्टिकल रेस्ट पे है तो यू टू इज इक्वल टू जीरो, एक मास एम है एक मास एम ए है, एम और एम ए एम 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 कैंसिल, तो क्या आ गया वी वन, इस वी वन को उठा के ऊपर पुट करेंगे तो क्या बनेगा होल स्क्वायर आंसर आएगा, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है नॉट फॉर एनसीईआरटी, आपको आज शीट मेरे ख्याल से मिली होगी दी है उन्होंने, हाँ तो उसके अंदर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा, ऐसा ऑप्शन आपको मार्क करना है, एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया ठीक है, पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक ठीक, ऑब्जेक्टिव है ये एनसीईआरटी के लिए नहीं है,